हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम श्री ठाकुर जी के लिए ऐसी फ्लोरल एंकलेट या पायल बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक गोल्डन तार, इस तरह से हम इसे एक बार फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। फिर इस तरह से दो खांचे बनाएंगे दोनों एंड्स पे। तो हमने इसे इस तरह से राउंड शेप दिया है। अब हम इस तरह का लेस यूज करेंगे और इसके ऊपर इसे स्टिक करेंगे ग्लू गन की हेल्प से। इसमें धीरे धीरे हम ग्लू अप्लाई करेंगे, इस कपड़े को यहाँ हम स्टिक करेंगे। तो देखिए ऊपर साइड में हमने स्टिक कर लिया है। अब हम इसके पीछे साइड भी एक ऐसा ही लेस स्टिक करेंगे, इस तरह से ग्लू अप्लाई करते हैं। तो देखिए इस तरह से ये आगे पीछे हमने इसमें ये लेस लगा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, सुई धागे की हेल्प से हमें मोती और घुंघरू पिरोने हैं साथ। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमने धागा लगाया, फिर इसमें एक मोती लेंगे और साथ ही एक घुंघरू। देखिए ऐसा दिखेगा। फिर हमें वही करना है, एक मोती लेना है और एक घुंघरू। इस तरह से हम एक तरफ इस तरह से इसे सिल लेंगे। तो देखिए भक्तों, ये सिलने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, बिल्कुल पायल की तरह। अब हम ऊपर की तरफ में मोतियाँ पिरो लेंगे, इस तरह से एक एक करते हुए। मोतियों को पिरो लेंगे ऊपर की तरफ। तो देखिए भक्तों, यहाँ ऊपर मोतियाँ पिरोने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसमें फोम शीट फ्लावर्स लगाना शुरू करते हैं कॉर्नर से। हमने दो कलर यूज किए हैं, पिंक और येलो। आपको जो कलर अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हैं अपने ठाकुर जी के लिए। देखिए ठाकुर जी की पायल रेडी हो गई है। ये कितनी सुंदर लग रही है।
अब हम इसमें ये रिबन लगाएंगे जिससे कि ठाकुर जी के चरणों में अच्छी तरह से फिट आ जाए। तो ऐसी हमने और एक बनाई है ठाकुर जी के लिए, दोनों सुंदर चरणों के लिए। देखिए ये कितने सुंदर लग रहे हैं, आप भी ऐसा कुछ ट्राई कीजिए और अपने व्यूज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।